हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज टीवी। आज मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ हीरो की बीएस4 टेक्नोलॉजी के साथ में एक मोपेड जिसका नाम है प्लेजर। तो आज मैं इसका रिव्यू करने वाला हूँ बाइक का, बीएस4 जो है इसके साथ में। तो देखते हैं बाइक कितने प्रतिशत कस्टमर के हिसाब से बनाई गई है, क्या प्रॉन्स है, क्या कमियाँ बनाई गई है इस बाइक में और क्या अच्छाई है। 50,000 रुपीज़ प्राइस रखे कंपनी ने। तो देखते हैं इस बाइक के साथ साथ हमें क्या क्या मिलता है और ये चलाने में कैसी है स्मूथनेस, इसकी परफॉर्मेंस, इसका इंजन, इसके बॉडी पार्ट सारे रिव्यू करेंगे हम इस वीडियो में और मैं आपको बताऊंगा। तो पिछले वीडियो जिन लोगों ने देखे उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और जिन्होंने नहीं देखे उनको मैं स्पेशली रिकमेंड करूंगा देखने के लिए और इस वीडियो को भी देखे। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए देखते हैं ये प्लेजर बाइक दिखने में कैसी है, कलर, लुक और इसके स्पेसिफिक इंजिन्स के बारे में जान लेते हैं। तो दिखने में ओवरऑल ये बाइक काफ़ी अच्छी लगती है, येलो कलर के साथ में 4 कलर कॉम्बिनेशन आता है तो ये दिखने में तो काफ़ी अच्छी लगती है और लाइट वेट है तो चलाने में भी बहुत अच्छी लगती है। और बीएस4 टेक्नोलॉजी के साथ में तो कंपनी 63 का माइलेज बता रही है इसमें। तो 63 का माइलेज तो बहुत होता है पर हम देख लेते हैं कि एक्चुअली में बाइक देती कितनी है। कंपनी का कहना है 63 पर मुझे तो लगता नहीं कि ये बाइक 63। मैं यूज़ कर रहा हूँ कम से कम 10 दिन हो गए इस बाइक को लेके, नंबर प्लेट भी आ चुकी है आप देख रहे होंगे। तो मैं इसके बारे में कुछ प्रॉन्स एंड कुछ रियलिटीज है जो मैं बताने जाने वाला हूँ तो चलिए देख लेते हैं। ओवरऑल आपने बाइक तो देख ली होगी, कलर कॉम्बिनेशन के साथ में आ रही है, डिजिटल मीटर तो नहीं है, स्पीडोमीटर आप देख ही रहे होंगे, एनालॉग मीटर आपको दिख रहा है, साइड में फ्यूल गेज भी आपको दिखता है फ्यूल मीटर के साथ में। तो फ्रंट की बात करेंगे तो फ्रंट में आपको मिलता है हेडलाइट में एक पावर बीम, उसके साथ में मिलते हैं आपको कुछ पायलट लैम्प जो कि एक ऊपर बिल्कुल लैम्प के हेड लैम्प के साथ में दिए गए हैं। अगर यही पावर लैम्प आपको नीचे में मिल जाती इंडिकेटर के साथ में और स्टार्टअप में जैसे कि की ऑन करने के बाद आपको ये स्टार्ट हो जाते तो काफ़ी अच्छा लगता है। ये कमी पल्स मुझे प्लेजर में देखने को मिली है तो ये शायद से आने वाले नेक्स्ट वर्जन में ये इस कमी को सुधार दे कंपनी, इसके बारे में मैं यही बात करना चाहता हूँ। नेक्स्ट दूसरी कमी मुझे नज़र आती है इस बाइक के साथ में जो है कॉम्बी ब्रेक। बैक में इन्होंने कॉम्बी ब्रेक नहीं दिया है, फ्रंट में कॉम्बी ब्रेक दिया है तो ये काफ़ी किरकिरा लगता है, मज़ा देख सकते हैं आप बैक में। बैक में एक फ्रंट ड्रम ब्रेक के साथ में वन एडजस्टमेंट दिया गया है लेकिन सेकंड में फिर आप देखेंगे फ्रंट ब्रेक में तो कॉम्बी ब्रेक आपको देखने को मिलता है। तो कॉम्बी ब्रेक देखने को तो मिलता है लेकिन इसका एडजस्टमेंट ठीक तरीके से नहीं हुआ मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जैसे मैं देख पा रहा हूँ बैक का ब्रेक एकदम स्मूथनेस लगता है। देखिए पूरा पुल करने के बाद, पुश करने के बाद पुल रिटर्न ऑटोमेटिकली हो जा रहा है तो लगता है कि ब्रेक प्रेस किया है, लेकिन अगर आप सेकंड इसमें देखते हो तो आपको लगता नहीं है कि आपने ब्रेक प्रेस किया है जो कि रिटर्न के से झटके से रिटर्न नहीं जाता है। तो ये कमी मुझे नज़र आती है इस बाइक के साथ। दूसरी ओवर आज इसकी डिज़ाइन की बात करते हैं। डिज़ाइन तो काफ़ी अच्छा दिया है कंपनी ने येलो कलर के साथ में, बाकी कलर्स के भी कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं और अगर आपको एक मेन कलर चाहिए, मेन कलर तो मिलता नहीं है, कॉम्बिनेशन थोड़ा ना थोड़ा मिला है। और 10 कलर के साथ में ये गाड़ी आती है तो आप जो कलर आपको पसंद हो उस कलर के साथ में आप खरीद सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात कंपनी ने इस बार काफ़ी ज़्यादा कलर वेरियंट आपके लिए कस्टमर के हिसाब से बनाया है तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और एक और बात आती है जो कि है ग्राफिक्स की, जो ग्राफिक्स कंपनी ने ऐड की इसके साथ में, ये एक स्टिकर जो ऐड कर दिया है ग्राफिक्स के साथ में, इसमें मुझे थोड़ी कमी नज़र आती है क्योंकि मेरी बाइक थोड़ी सी टच हो गई थी व्हील को, तो देख सकते हैं आप इसका ग्राफिक्स पूरी तरीके से उखड़ गया है। तो ये ग्राफिक्स उखड़ने के बाद अगर मैं इसे खींचता हूँ तो अपने साथ ये पूरा ग्राफिक्स निकल के बाहर आ जाता है, तो अगर ये प्रिंटेड होता तो काफ़ी मज़ा आता था। ये ग्राफिक्स में काफ़ी कमी है क्योंकि इतने पैसे पे करने के बाद हम इसकी उम्मीद नहीं करते। नेक्स्ट बात आती है इसके की, जैसे कि की ऑन ऑफ, बीएस4 टेक्नोलॉजी तो आप जानते होंगे की ऑन करने के बाद इसका लाइट लैम्प ऑन नहीं होता है, जैसे कि पायलट लैम्प भी दिए गए हैं लेकिन ये पायलट लैम्प भी की ऑन करने के बाद ऑन नहीं होते, तो ये कमी है बीएस4 के साथ में। अगर आप हेडलैम्प ऑन देने हैं तो आप पायलट लैम्प भी ऑन कर देते हैं तो काफ़ी मज़ा आता है। अब बात करते हैं इसके स्पेस की, स्पेस की बात करते हैं आपको यहाँ मिलता है देखने को, ओके। तो अब बात करते हैं इसके स्टोरेज की, तो स्टोरेज में आपको क्या मिलता है आप देख लेते हैं। स्टोरेज तो इसका देखिए, आप इग्निशन की तरफ इसकी की घुमाओगे तो आपको डिक्की अनलॉक आपकी हो जाती है, सीट अनलॉक। तो सीट अनलॉक करने के बाद आपको देखने को मिलता है सबसे पहले स्टोरेज। स्टोरेज तो काफ़ी कम दिया है क्योंकि इसमें जो नज़र आता है वो है इसके पुलिंग टैप्स के लिए। पुल करने के बाद इसमें एक गैप मिल रही है, आप देख पा रहे होंगे इंजन आप ही इसमें क्लियर दिख रहा है, तो ये एक छोटी सी गैप दी है ताकि कुछ प्रॉब्लम हो तो ये आपको, ताकि इंजन के कुछ पार्ट्स खोलने के लिए यहाँ पे
कुछ स्पेस दी गई है, स्लॉट जिसे हम कहेंगे, तो स्पेस तो काफ़ी कम दी है क्योंकि यहाँ पे जो एक बॉक्स आ गया है इसकी वजह से आप कुछ बड़ी चीज़ तो रख नहीं सकते। और देख सकते हैं आप इसमें एक साइड में एक लाइट दिया गया है नाइट के समय में यूज़ करने के लिए, अगर कुछ हो तो, जैसे कि आप अपनी सीट ऊपर करोगी तो ये ओपन हो जाएगा और जब ये बंद कर दोगे तो यहाँ पे एक की दी गई है, जैसे कि सीट इसके ऊपर आ जाती थी ये ऑफ हो जाता है, और जैसे सीट आप उसको ऊपर करोगे तो ये लाइट स्टार्ट हो जाता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, बट ये इसमें मुझे तो कुछ खास नहीं लगता है क्योंकि नाइट के समय में भी आपको ऐसा कौन सा सामान रखना पड़ता है जिसके लिए आपको ज़रूरत पड़े। दे रही है कंपनी शायद से अच्छी बात है, चलो कुछ तो नया मिला है। और आपको क्या नया मिला है, मैं इसे बंद कर देता हूँ, आपको क्या नया मिला है ये भी देख लेते हैं। तो इसके नीचे में आपको और एक छोटी सी डिक्की मिल जाती है, इस डिक्की को ओपन करने के बाद हमें देखते हैं कि इसमें कितनी स्पेस मिलती है। अब ये मैंने ओपन कर दिया इसको, इसमें स्पेस कितनी मिल रही है, इसमें ज़्यादा स्पेस तो नहीं है, छोटी सी स्पेस है, बट इसमें हमें क्या नया मिल रहा है, इसमें हमें मिलता है इस साइड में चार्जर का एक सॉकेट जिसमें आप कनेक्ट करके इसे अपनी स्मार्टफोन को कोई भी चीज़ के साथ में चार्ज कर सकते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। चलो इसका चार्जर यहाँ मिल गया है, तो बस यही एक है ब्लेजर का वेरिएंट। बाकी इसके स्मूथनेस, के इंजन की आवाज़ और बाकी चीज़ें जान लेते हैं। ओके, मैं बाइक को स्टार्ट कर रहा हूँ। ये मैंने बाइक को स्टार्ट कर दिया है, काफ़ी स्मूथ आवाज़ लग रही है क्योंकि ये अब न्यू बाइक है तो स्मूथनेस तो आने ही वाली है। तो देख सकते हैं मैंने बाइक स्टार्ट करने के बाद इसके पायलट लैंप एंड हेड लैंप दोनों ऑन हो चुके हैं, तो बाइक को मैं ऑफ कर देता हूँ, देखते ही या बंद होते या नहीं। देखिए दोनों बंद हो गए, तो मेरे ख्याल से एक फीचर कम दिया है इन्होंने, अगर हेड लैंप बंद होता है तो ठीक है लेकिन पायलट लैंप को स्टार्ट रहना चाहिए था। और दूसरी बात जो है, पायलट लैंप इंडिकेटर के साथ में इतनी सारी स्पेस के साथ अगर दे देते तो ये काफ़ी अच्छी बात होती बाइकर्स के लिए, क्योंकि लेडीज़ ही नहीं जेंट्स भी यूज़ करते हैं मोपेड को। अब बात करते हैं इसके कि ये रोड पे चलाने के लिए कैसे, इसकी राइडिंग कैसे होती है। तो राइडिंग तो एकदम स्मूथ है लेकिन परफॉर्मेंस के हिसाब से इस बाइक में जैसे कि देखते हैं यंगस्टर के लिए ये थोड़ी सी कम नज़र आती है, क्योंकि परफॉर्मेंस इसका थोड़ा सा कम नज़र आता है। जैसे कि एक्टिवा है तो एक्टिवा के मुकाबले बाइक का परफॉर्मेंस थोड़ा सा कम नज़र आता है मुझे, रेस काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता है, टॉर्क और बीएचपी पावर कम होने के कारण परफॉर्मेंस में थोड़ी सी कमी आ गई है। मैक्सिमम पावर इसका 6.91 बीएचपी है 7000 रिवॉल्यूशन पर मिनट के साथ में, और मैक्सिमम टॉर्क है 8.10 नैनोमीटर के 5000 रिवॉल्यूशन पर मिनट के साथ में, तो ये एक्टिवा के मुकाबले थोड़ा सा कम है इसलिए परफॉर्मेंस में थोड़ी सी कमी नज़र आती है। अगर आप एक अच्छी मोपेड लेना चाहते हैं ताकि आपके घर में सब लोगों के हिसाब से अगर आप खरीदना चाहते हैं तो ये ब्लेजर में आपकी थोड़ी सी कमियां नज़र आने को मिलेगी। अगर आप एक्टिवा खरीदते तो इसमें थोड़ी सी ज़्यादा स्पेक्स एंड फीचर्स भी आपको ज़्यादा मिलेंगे, राइडिंग भी अच्छी मिलेगी। तो ये था स्पेशल वीडियो, मेरे एक फैंस ने मुझे बोला था इसका रिव्यू करने के लिए तो मैंने उनके लिए स्पेशली वीडियो बनाया है। अगर उनको वीडियो पसंद आता है या फिर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक न्यू बाइक के साथ आने वाला हूँ, तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो बोलते रहिए भारत माता की जय।